नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज रूम पोस्ट में। मैं हूं आपके साथ रोशनी सिंह। योगी आदित्यनाथ, जिनका नाम सुनते ही यूपी के माफियाओं की रूह कांप जाती है। बहुत कम उम्र में सांसद से सीएम बनने वाले योगी आदित्यनाथ जी की छवि उन माफियाओं के लिए किसी बुरी सपने से कम नहीं है, जिन्होंने यूपी की जनता को काफी सताया है। योगी आदित्यनाथ एक भारतीय हिंदू भिक्षु और भारतीय जनता पार्टी के राजनेता हैं, जो 19 मार्च 2017 से उत्तर प्रदेश के 21वें और वर्तमान मुख्यमंत्री के रूप में कार्यरत हैं। आज सीएम का 51वां जन्मदिन है। आइए इनके जन्मदिन पर जानते हैं इनसे जुड़ी कुछ खास बातें। अजय सिंह बिष्ट, जिनको योगी आदित्यनाथ के नाम से जाना जाता है, इनका आज 51वां जन्मदिन है। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ का जन्म 5 जून 1972 को पौरी गढ़वाल में हुआ था। योगी आदित्यनाथ गोरखपुर के प्रसिद्ध गोरखनाथ मंदिर के महंत और एक शानदार राजनेता हैं, जो कि वर्तमान में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में कार्य कर रहे हैं। योगी आदित्यनाथ ने बीजेपी की प्रचंड जीत के बाद यूपी के 21वें मुख्यमंत्री के पद के रूप में शपथ लिया था। आज सीएम योगी का नाम हर एक छोटे से छोटा बच्चा भी जानता है। आदित्यनाथ की और बीजेपी का रिश्ता एक अहम है और योगी आदित्यनाथ का पूर्वी उत्तर में एक अलग ही दबदबा है। बच्चे से लेकर बूढ़े तक हर कोई योगी बाबा के काम प्रभावित है और इनको पसंद भी करता है। योगी आदित्यनाथ ने रविवार 19 मार्च 2017 को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ली। योगी आदित्यनाथ का असली नाम अजय सिंह बिष्ट है। इनके पिता का नाम आनंद सिंह बिष्ट और माता का नाम सावित्री देवी है। इनके 3 भाई हैं और 2 बहनें हैं, जिनके नाम महेंद्र सिंह बिष्ट, शशि पायल, शैलेंद्र मोहन, शशि सिंह और मनवेंद्र मोहन है। प्रदेश की कमान संभालने के बाद योगी आदित्यनाथ ने सांस्कृतिक उत्पान और पर्यटन के विकास पर भी काफ़ी जोर दिया है। योगी की अगुवाई में प्रयागराज में कुंभ का सफल आयोजन किया गया, जिसमें करीब 25 करोड़ से अधिक लोगों ने हिस्सा लिया। इतनी भारी संख्या में लोगों के आने के बावजूद कहीं भी कोई अव्यवस्था नहीं दिखी। योगी राज में काशी, मथुरा और अयोध्या के विकास के लिए भी अनेक महत्वपूर्ण परियोजनाओं पर तेजी से अमल हुआ। धार्मिक नजरिए से पूरी दुनिया में विख्यात इन 3 स्थलों के विकास के लिए बुलडोजर बाबा ने प्रदेश सरकार का खजाना खोल दिया और इसका नतीजा भी सबके सामने दिखने लगा है। योगी आदित्यनाथ अयोध्या, मथुरा और काशी को विश्व पटल पर लाने में कामयाब रहे। इन 3 शहरों में आने वाले श्रद्धालुओं और पर्यटकों की संख्या में जबरदस्त इजाफा भी हुआ। अपनी दूसरी पारी के दौरान योगी ने इन 3 धार्मिक स्थलों की चमक धमक और बढ़ाने की कोशिश में जुटे हुए हैं। अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण कार्य काफी तेजी से चल रहा है और उम्मीद जताई जा रही है कि वो अगले साल भव्य राम मंदिर में भगवान रामलला विराजमान होंगे। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर ज़रूर करें। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब करें।